शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लगा 97 करोड़ का झटका। शिल्पा शेट्टी के जुहू और पुणे के घर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब्त करने का लिया फैसला। 6600 करोड़ के नेशन वाइड स्कैम मामले में राज कुंद्रा के अलेजेड इन्वॉल्वमेंट के बाद ईडी ने लिया ये फैसला। क्या है शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन अपने हस्बैंड के एक और स्कैम में नाम आने के बाद? शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा का नाम हर कुछ दिनों के बाद हेडलाइंस बनाता है, लेकिन मोर ऑफन किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से नहीं, बेटिंग स्कैम या अदर रीजन से। और इस बार शिल्पा शेट्टी और राज को लगा है तगड़ा झटका, वो भी 97 करोड़ का। ईडी ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत राज कुंद्रा के 97 करोड़ रुपीस के एसेट्स को जब्त किया है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईडी मुंबई हैज प्रोविजनली अटैच्ड इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ रुपीज 97.79 करोड़ बिलोंगिंग टू रिपु सुडन कुंद्रा अक्का राज कुंद्रा अंडर द प्रोविजन ऑफ PMLA 2002। The attached properties include residential flat situated in Juhu, presently in the name of Srimati Shilpa Shetty, residential bungalow situated in Pune, and equity shares in the name of Raj Kundra. आपको बता दें, ईडी के इस बड़े एक्शन के बाद शिल्पा और राज की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उनके लॉयर ने अपने स्टेटमेंट में राज और शिल्पा को डिफेंड करने की कोशिश की है। वी शैल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ माई क्लाइंट्स। On the face of it, there is no prima facie case made out against my clients, Mr. Raj Kundra and Mrs. Shilpa Shetty Kundra. We have complete faith in the Honorable Judiciary. I believe when we make our fair representation before the Honorable Enforcement Directorate, even the investigation agencies may grant justice to us. We have faith in the fair investigation. We stand committed to cooperate with the authorities as and when required. आपको बता दें, इस 97 करोड़ रुपीस के अटैच्ड किए गए एसेट में शिल्पा शेट्टी के जुहू का रेजिडेंशियल फ्लैट है जो उन्हीं के नाम पर है। बात करें इस पूरे स्कैम की तो ईडी के मुताबिक देश की भोली भाली जनता से 10% हर महीने रिटर्न का दावा करके 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन का स्कैम किया गया था। एजेंसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, द कलेक्टेड बिटकॉइंस वर सपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड इन्वेस्टर्स वर सपोज्ड टू गेट ह्यूज रिटर्न्स इन क्रिप्टो एसेट्स, बट द प्रमोटर्स चीटेड द इन्वेस्टर्स एंड हैव बीन कंसीलिंग टिल द इल-गॉटन बिटकॉइंस इन ऑब्सिक्योर ऑनलाइन वॉलेट्स। ईडी ने यह भी कहा है कि राज कुंद्रा को इस स्कैम के मास्टरमाइंड से 285 करोड़ बिटकॉइंस मिले थे, जिसकी कीमत 150 करोड़ है, और ये सभी बिटकॉइन स्कैम के जरिए ही मास्टरमाइंड ने हासिल की थी। साफ है ये मामला काफी बड़ा है और ईडी ने पूरी तफ्तीश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। अब देखना होगा शिल्पा और राज कुंद्रा अपने डिफेंस में क्या कहते हैं।